राधे राधे सभी को। आज हम बनाएंगे महाराष्ट्र की प्रसिद्ध रेसिपी पुरण पोळी, साथ ही हम बनाएंगे स्पेशल करी जिसे मराठी में कहते हैं कटाची आमटी। पुरण पोळी काफी स्टेट्स में बनाई जाती है, हर जगह नाम इसके अलग अलग हैं, लेकिन रेसिपी एक ही है। महाराष्ट्र में खास त्योहारों पर पुरण पोळी हर घर में जरूर बनती है और खाने में ये उतनी ही स्वादिष्ट लगती है। आज हम बनाएंगे पुरण पोळी बहुत ही सिंपल तरीके से। आइए चलते आज की रेसिपी की ओर। यहाँ पर हमने 300 ग्राम चने की दाल ली है, इसे हमने 4-5 घंटे के लिए भिगोकर रख लिया था। भिगो हुई दाल की 2-3 सीटी में ही दाल पक जाती है। 2 ग्लास हम इसमें पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, 2 चम्मच हम इसमें तेल ऐड करेंगे और हम इसकी 3 सीटी ले लेंगे। जब तक कुकर हमारा ठंडा हो रहा है, हम लगाते हैं आटा। यहाँ पर हमने 1 कप मैदा लिया है और 1 कप हमने गेहूं का आटा लिया है। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, थोड़ी सी हम हल्दी ऐड करेंगे, 2-3 चम्मच हम इसमें घी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम सॉफ्ट आटा गूंद कर ले लेंगे। पूरन पोड़ी के लिए थोड़ा सॉफ्ट आटा लगता है। आटे का डो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। 10-15 मिनट के लिए हम इसे ढककर रख देंगे। कुकर हमारा ठंडा हो चुका है। देखिए दाल हमारी अच्छे से गल गई है। इस तरह की हम कोई भी छन्नी लेंगे और दाल इसको हम छान के ले लेंगे। देखिए इस पानी को आपको फेंकना नहीं है, इसी की अमटी बनेगी, दाल का जो पानी है ना। और इसमें से हम थोड़ा सा पूरन भी साइड में ले लेंगे। दाल हमारी बहुत अच्छे से गल गई है। हम इसको कोई इसको मिक्सी में पीसते हैं, लेकिन दाल हमारी इतनी अच्छे से गल गई है कि थोड़ा सा हम इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे तो दाल हमारी घोट जाएगी। ये देखिए, कोई भी पाव भाजी का कुछ भी आप ले सकते हैं, इससे अच्छे से चम्मच से भी अच्छे से घोट जाएगी। ये देखिए एकदम सॉफ्ट करनी चाहिए। जितनी हमने दाल ली थी 300 ग्राम, उतना ही हमने गुड़ लिया है। गुड़ को हमने बारीक करके लिया था, इसलिए गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। हमें इसे कंटिन्यू 10-15 मिनट चलाते रहना है। फ्लेम को हमें मीडियम लो पर रखना है। ये देखिए गाढ़ा पड़ गया है और बहुत अच्छे से पक गया है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। यहाँ पर हमने 1/2 चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच हमने इलायची पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच हमने जायफल पाउडर लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पांच मिनट के लिए हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। 10-15 मिनट हो चुका है, आइए चलते हमारे आटे की ओर। आटा हमारा सेट हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा घी लगाकर अच्छे से ठीक कर लेंगे। हमें पोली के लिए बिल्कुल ऐसा ही डो चाहिए।
हम रोटी की साइज की एक लोई बना के ले लेंगे। पूरन के इस तरह से हम बॉल बनाकर ले लेंगे। दोनों उंगलियों से और अंगूठों की मदद से इसे अच्छे से गोल गोल घुमाना है। एक कटोरी का शेप हमें इसे देना है। ये देखिए, अब हम बॉल को बीच में रख लेंगे पूरन की और ऐसे धीरे धीरे नजदीक लाएंगे। मोदक भी ऐसे ही बनते हैं। मुझे जब भी कुछ ऐसा बनाती हूँ तो गणपति बाबा के मोदक याद आ जाते हैं। हाँ, धीरे धीरे ऐसे अच्छे से नजदीक लाइए। हल्के हाथों से इसे थोड़ा थोड़ा प्रेस करके ऐसे दबा के कोरे आटे में डिप कर लेंगे। इस तरह से उंगलियों की मदद से थोड़ा थोड़ा सा हल्के हाथों से हमें इसे बेलना है। आसानी से बन जाती है पूरन पोड़ी। ना हमें इसे प्लास्टिक लगाने की जरूरत है, ना कोई कपड़ा। बहुत अच्छे से बन जाती है। देखिए, पूरन पूरा अंदर से दिख रहा है। परफेक्ट पूरन पोड़ी बनी है। तवा गरम हो चुका है, अब हम इसमें रोटी डाल देंगे। अब हम इसे टर्न कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे से बलून की तरह फूक गई है। कितनी अच्छी सी पूरन पोली बनी है। अब हम इस पे घी डाल देंगे। देखिए पूरन पोली घी में ही बहुत ही टेस्टी लगती है। आप चाहो तो तेल भी डाल सकते हो। देखिए कितनी अच्छी पूरन पोली बनी है। पूरन पूरा फैल चुका है, अच्छे से देखिए स्प्रेड हुआ है। अगर आपको दूसरे तरीके से पूरन पोली बनानी है तो मेरे चैनल पर जाकर मूली के पराठे की रेसिपी देखिए। उसमें हमने दो तरीके से पराठे बनाए हैं। आइए बनाते हैं कटाची अमटी। यहाँ पर हमने 1 चम्मच तेल गरम कर 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 लिया है। उसमें हमने 8-10 लहसुन की कली ऐड कर दी है। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे। यहाँ पर हमने एक प्याज को कट करके रखा था, उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। दोनों को हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। यहाँ पर हमने थोड़ा सा कच्चा नारियल कद्दूकस करके रखा था, इसे हम थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर लेंगे। आप चाहो तो सूखा नारियल भी ले सकते हो।
लेकिन कच्चे नारियल की अमटी बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हम इन सब मिश्रण को मिक्सी जार में डालकर दरदरा पीस लेंगे। यहाँ पर हमने थोड़े से हरे धनिए भी ऐड किए हैं, दो हमने हरी मिर्ची भी इसमें ऐड कर देंगे। हमें अमटी के लिए ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। यहाँ पर हमने 2 चम्मच तेल लिया है, इसे हम अच्छे से गर्म होने देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड कर देंगे, थोड़ी सी राई ऐड कर देंगे। थोड़ी सी हींग ऐड कर देंगे, 8-10 करी लीव्स ऐड कर देंगे। अब हम जो पीस के लिया था उस मिश्रण को इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से हम इसे भून लेंगे। थोड़ी सी हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, 1 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, नमक हम इसमें स्वाद अनुसार डालेंगे। दो तीन मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। ऑयल का यूज हमने थोड़ा सा कम किया है, आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ा ऑयल और ऐड कर सकते हो। अब हमने जो पूरन साइड में रखा था उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे अमटी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और अमटी थोड़ी गाढ़ी भी पड़ जाती है। अब हमने जो चने की दाल का पानी अलग से रखा था उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे अमटी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। यहाँ पर हम इसमें 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर ऐड कर देंगे, आप चाहो तो इसमें इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हो। अमटी हमारी एकदम परफेक्ट बन गई है और एकदम तैयार है। अभी फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। आइए करते प्यारी सी प्लेटिंग। आप गरम गरम पूरन पोली को अमटी के साथ खाइए, घी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप भी अपने घर पर बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।